आज हम बबल सॉर्ट को देखेंगे कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, और उसको ड्राई रन करके देखेंगे कि वो किस तरह सॉर्टिंग कर रहा होता है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तो उसके लिए मैंने ये एरे में बबल्स बना ली हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उनको मैंने इंडेक्सेस दे दिए जिस एरे में होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और उनमें अंदर कम्प्लीटली रैंडम नंबर्स डाल दिए। तो पहले बबल सॉर्ट की वर्किंग देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो एक एक बबल को उठाता है, और जो उससे नेक्स्ट जितनी भी एट द एंड ऑफ द एरे जितनी भी बबल्स होती हैं उन सबको चेक करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसने 0 इंडेक्स को उठाया है तो 0 इंडेक्स को वो बाकी सारे एंड ऑफ द एरे तक बबल्स को चेक करेगा, और उसके बाद फिर वो आएगा 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे आएगा तो फिर वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करेगा, फिर 1 के बाद से स्टार्ट करेगा, और फिर दोबारा वो एट द एंड ऑफ द एरे जाएगा, एंड फिर वो 2 पे आएगा, और वो 3, 4 पे जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो हमें क्लियरली दो लूप्स के पैटर्न दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये कि वो 0 इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, फिर वो 1 इंडेक्स को चेक कर रहा है, फिर 2 को चेक कर रहा है, 3 को चेक कर रहा है। तो एक तो हमें ये दिख रहा है, एक लूप हमारा ये हो गया। उसके बाद दूसरा लूप जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है जब फॉर एग्जाम्पल हमने 0 इंडेक्स को सिलेक्ट किया है, उसको हमने चेक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाकी सब एट द एंड ऑफ द एरे तक जा रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो एक लूप हमारा ये भी लग रहा है जो कि उस इंडेक्स से एक नंबर ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है। इसी तरह जब हम 1 इंडेक्स की बात करें तो वो एक और लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से आगे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, एंड एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें नेस्टेड लूप का पैटर्न दिख रहा है। दो लूप हमारे लगेंगे, एक आउटर लूप होगा जो कि 0, 1, 2, 3, 4 एक बार चलेगा, और जो नेस्टेड लूप होगा वो हर इंडेक्स के लिए एट द एंड ऑफ द एरे तक चलेगा, उससे एक इंक्रीमेंटल इंडेक्स के से स्टार्ट होके। चलो अब हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो हमने 0 से स्टार्ट किया अगर, तो फॉर एग्जांपल अभी हम 0 इंडेक्स पे 23 पड़ा है। अब 23 पड़ा है तो अब हमने उसको चेक करना स्टार्ट करना है। तो हमने इस तरह देखा है कि हम एक इंडेक्स ज्यादा से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो हम 0 से 1 इंडेक्स ज्यादा मतलब 1, 1 से चेक करना स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4 तक जाएंगे। तो अब पहले 1 पे चेक करते हैं। अच्छा, 1 पे हमारे पास 99 है। अब हम चेक कंपेयर करेंगे कि 23 99 से बड़ा है कि छोटा है। अगर हम ये देखें तो 23 99 से छोटा है। तो अगर यहाँ पे 23 99 से छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना, हम रिप्लेस नहीं करेंगे इनको, स्वैप नहीं करेंगे, वो तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर अगले इंडेक्स पे आ जाएंगे। अच्छा, अगले इंडेक्स पे हमारे पास, अब हमारे पास 23 और 67 को हमने कंपेयर करना है। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे भी अभी 23 छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और अगले इंडेक्स पे आ जाएंगे। अगले इंडेक्स पे आएंगे तो हमारे पास 4 है और 23 है। अब हमारे पास 4 छोटा है, 23 बड़ा है। तो जैसे ही 23 बड़ा हो जाएगा इस 4 से, इसका मतलब कि अब हमें स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग क्या होगी, आप 23 इधर लाओगे, 23 आपने नीचे रखा, 4 को उठाया, 4 आप इधर ले गए, और 23 आप इधर ले, आपने स्वैप कर दिया। अब हमारे पास 0 इंडेक्स पे 4 है। तो अब हम 0 इंडेक्स को, अभी हमारा पूरा एट द एंड ऑफ द एरे नहीं आया, तो हम बाकी एंड एंड तक जाएंगे। तो अब हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है अब उसको चेक करेंगे। 3 तक तो हो गया था हमारे पास, अब लास्ट वाली वैल्यू चेक करनी है, वो है 48। तो 4 48 से बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक 0 से एंड तक एक लूप, हमारा आउटर लूप की एक आइट्रेशन पूरी हो गई। अब हम आएंगे नेक्स्ट 1 पे आएंगे। अब हम 1 पे आएंगे, 1 को देखेंगे, और फिर अगेन हम जो नेस्टेड लूप है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है एक इंडेक्स ज्यादा से। तो हमारे पास 1 है तो एक इंडेक्स ज्यादा 2 होगा, तो वहां से स्टार्ट होगा और एंड ऑफ द एरे तक जाएगा। तो अब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, 99 को 67 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है।
जैसे ही बढ़ा है इसका मतलब हमें स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग के लिए हम 99 को नीचे लाएंगे, 67 को उठा के इधर करेंगे, 99 को इधर लेंगे। अगेन अभी हमारा पूरा एट द एंड ऑफ द एरे नहीं आया तो हम आगे चेक करेंगे। 2 से कंपेयर हो चुका था, 3 से करेंगे, 67, 23 से कंपेयर करेंगे, अभी भी 67 बढ़ा है 23 से। अगेन आप स्वैप करो, 23 को इधर ले आओ और 67 को आप इधर ले जाओ 3 पे। अगेन अभी एरे का एंड नहीं आया, हमने वन इंडेक्स को पूरा चेक करना है एंड तक। तो अब हमारे पास वन इंडेक्स पे 23 है, 3 इंडेक्स हो गया था, 4 इंडेक्स पे आएंगे 23 और 48, 23 छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास वन इंडेक्स पूरा हो गया। अब हम 2 इंडेक्स पे आएंगे, 2 इंडेक्स पे हमारे पास 99 है इस वक्त। तो अब हम छोटा लूप जो हमारा नेस्टेड लूप है वो देखेंगे, वो एक एक इंडेक्स ज़्यादा से स्टार्ट होता है, मतलब वो 3 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं इंडेक्स 2 को इंडेक्स 3 से। तो हमारे पास 99 है और 67 है, तो 99 और 67, 99 बढ़ा है 67 से। अगेन हमें पता है स्वैपिंग करनी है हमें, 67 इधर आ गया, 99 हमारा इधर चला गया। अगेन अब हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे 67 है, इसको हम लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं, 67 और 48, 67 बढ़ा है 48 से, 67 को अगेन स्वैप करना है, 48 को हम इधर लाएंगे और 67 को इधर लाएंगे। इस तरह हमारे पास सेकेंड इंडेक्स भी पूरा हो गया। अब हम थर्ड इंडेक्स पे आएंगे और उसको चेक करना स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द एरे तक। तो अब हम नेस्टेड लूप में एक इंडेक्स ज़्यादा से स्टार्ट करना होता है, तो हमारे पास 3 से ज़्यादा 4 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे चेक करना। और ये हमारा लास्ट इंडेक्स भी है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि 99 67 से बड़ा है कि छोटा है। तो 99 ऑब्वियसली बड़ा है, तो अगेन हमें स्वैपिंग करनी है, 99 इधर आ गया, 67 इधर, 99 इधर। इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट लूप हमारा चल गया। और अगर हम अब देखें तो हमारे पास कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर में एरे सॉर्ट हो चुका है नंबर्स का। तो अगर हम देखें 4, 23, 48, 67, 99, तो इस तरह हमारे पास जो बबल सॉर्ट है वो काम करता है थ्रू नेस्टेड लूप्स के। वो एक तो आउटर लूप चला रहा होता है जिसमें वो 0, 1, 2, 3 एक एक इंडेक्स को लेके चेक कर रहा होता है। किससे चेक कर रहा होता है? नेस्टेड लूप से। नेस्टेड लूप में हमारे पास इस एक इंडेक्स से ज़्यादा से हम स्टार्ट करते हैं और उसको एंड तक लेके जाते हैं और चेक करते हैं। तो इस तरह इस मैकेनिज्म के थ्रू हम जब हर इंडेक्स को गुजारते हैं इस कंपैरिजन के थ्रू, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस होल लॉजिक तो हमारे पास असेंडिंग एरे जनरेट हो जाता है। अच्छा, तो अब हम इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देख लें तो मेरे पास अगेन सेम नंबर्स मैंने लिए हुए हैं। तो इनको मैंने एक नंबर्स के एरे में डाल लिया और इसके बाद मैंने इस तरह बात की थी आउटर लूप की, तो मैंने आउटर लूप ये लगाया जो के चल रहा है 5 तक। बिल्कुल ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स तक चलेगा, तो आई लेस देन 5, तो ये 5 दफ़ा चल जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जिस तरह मैंने बात की थी कि एक हमारा नेस्टेड लूप होता है, जो कि ये हमारा नेस्टेड लूप है जो कि एक इंडेक्स ज़्यादा से स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने क्या किया हुआ है, जे इक्वल टू आई प्लस 1। मेरी वही बात यहाँ पे अब आपको फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दिख रही होगी इसकी, जो मैंने बोला था कि एक इंडेक्स ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, तो आई का जो भी इंडेक्स होगा उससे एक इंक्रीमेंट करके हम जे को स्टार्ट करेंगे और अगेन एट द एंड ऑफ द एरे तक चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन कंपेरिजन वाली, कि हमारे पास जो आई इंडेक्स पे जो भी नंबर है इस वक्त, जिस तरह हमने चेक किया था कि यहाँ पे 23 था, तो वो ग्रेटर तो नहीं है जो कि जे इंडेक्स के पे है जो भी नंबर। तो हमने देखा था कि अगर वो ग्रेटर है तब वो क्या करे, स्वैपिंग करे, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो अगेन ऊपर चला जाए और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और अगले वाले इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम कर लिया कि जो आई इंडेक्स पे जो नंबर था हमारा आउटर लूप में वो बड़ा है और जे इंडेक्स के नंबर से, तो अब हमें पता लग गया कि हमें स्वैपिंग करनी है।
तो जब हमें स्वैपिंग करनी है तो यहाँ पे जो स्वैपिंग की लॉजिक है वो बहुत बेसिक है। यहाँ पे हम स्वैपिंग की लॉजिक देखें तो स्वैपिंग की लॉजिक बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली कि हमने एक टेम्प का वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने इस नंबर आई इंडेक्स पे जो नंबर होगा उसको हमने सेव कर लिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिस तरह हमारे पास ये था, हम लास्ट वाले पे आते हैं। अगर हमारे पास जो लास्ट स्वैपिंग हुई है इसकी हुई थी, तो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि 99 को जब हमने कंपेयर किया, ये 99 इस वक्त हमारा आई इंडेक्स पे है, सही है? तो ये 99 इस वक्त हमारा आई इंडेक्स पे है और जो हमारा 67 है वो जे इंडेक्स पे है। तो हमने देखा था कि अभी हमने लॉजिक में देखा है कि अगर आई इंडेक्स वाला ग्रेटर है जे इंडेक्स से, तो आई इंडेक्स पे 99 है, जे इंडेक्स पे 67 है, ऑब्वियसली ग्रेटर है। तो ग्रेटर में हमने क्या किया, स्वैप करना है। तो अब स्वैप के लिए हमने एक टेम्प का वेरिएबल बना लिया है। टेम्प के वेरिएबल में होगा क्या बेसिकली, आप टेम्प के वेरिएबल में रखोगे सबसे पहले 99 को। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने टेम्प के अंदर रखा हुआ है आई इंडेक्स का नंबर, तो आई इंडेक्स पे हमारे पास 99 है। तो मैं क्या करूँगा, इस 99 की वैल्यू को इधर रख लूँगा। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं 99 को इधर मैंने रख लिया। अब हम क्या करें, अब हम आई इंडेक्स के अंदर क्या सेव कर रहे हैं, जे इंडेक्स की वैल्यू। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जे इंडेक्स पे 67 है वो हम 99 के अंदर रख रहे हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा और 99 को अब हम मिटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी जगह अब 67 आने वाला है। यहाँ पे आएंगे और 67 यहाँ पे आ गया। अब हमने फोर इंडेक्स पे मतलब जे इंडेक्स पे हमने 99 को लेके जाना है। तो अब सिंपली हमने क्या किया कि जे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प की होगी। तो अब हम टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू है हमारी 99 है, तो ये 99 वैल्यू चली जाएगी जे इंडेक्स पे। तो अब हम जे इंडेक्स पे आते हैं, पहले तो जे इंडेक्स से 67 की वैल्यू को रिमूव करें। और इसके अंदर हम 99 की वैल्यू को ले आएंगे जो कि इधर से नाइन्टी नाइन। इस तरह हम टेम्प को यूज करते हुए एज अ थर्ड वेरिएबल कोई भी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्वैपिंग होती है जिसके थ्रू हम स्वैपिंग अचीव करते हैं दो कोई भी दो वेरिएबल्स के थ्रू। तो इस तरह हमने बारी बारी जिसकी भी आई इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी जे इंडेक्स से उसको हमने स्वैप कर लिया। और ये लूप हमारा एट द एंड ऑफ द एरे तक चलेगा और उसके बाद हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी, सॉर्टेड एरे आ जाएगा। और मैंने उसके बाद क्या किया, सिंपल उसको आइटरेट करवा के मैंने एरे को प्रिंट करवा दिया। तो अगर हम उसको चला के देखें तो हमारे पास बिल्कुल वही वाला रिजल्ट आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे ट्राई रन करके देखा था, 4, 23, 48, 67, 99। तो दैट फर्दर प्रूव्स के हमारी ट्रायल लॉजिक बिल्कुल ठीक थी जो कि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके